फ्रेंड के लिए काम करते हैं सभी लोग, ये जो घर से जो पैसा इनको नहीं मिलता है तो ये लूटपाट करके शाम को घटनाएं करते हैं। चूँकि इतनी छोटी लूटें करते हैं शाम के समय ये, कि अनेक घटनाएं लोग कन्फेस कर रहे हैं, तमाम मोबाइल लूट और चेन लूट या पैसे की लूट किए हैं, जो वादी प्राय थानों पर नहीं आता है। चूँकि ये थोड़ी बड़ी घटना हुई थी इसलिए वो वादी थाने पर मुकदमा लिखा हुआ था इसमें, और इसलिए गिरफ्तारी इनकी हुई है। जो घटना में बाइक प्रयुक्त हुई थी वही बरामद हम लोग कर लिए हैं, जो माल था सब कुछ हम लोग बरामद कर लिए हैं। स्प्लिंटर्स गैंग है ये, इस गैंग में बहुत लड़के इसमें सम्मिलित हैं, तीन जो मुख्य गिरफ्तार हम लोग किए हैं। इसी प्रकार से क्या दो लूटें और लोगों ने छोटी छोटी किया हुआ था, उसके मुलजिम भी लगभग प्रकाश में आ गए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे गिरफ्तार जल्दी हो जाए वो लोग, क्योंकि इनके पास असलहे नहीं होते थे। ये अपनी बाइक पर बैठे, पुलिस ने चेकिंग किया तो एक पहले उतर गया, और पुलिस के जाने के बाद फिर तीन लोग बैठ गए। ये अपने टारगेट को शहर में देखते थे कि शहर में किसी बड़ी बैंक से या किसी फर्म से कोई व्यक्ति निकला, कोई महिला जा रही है अकेले या रिक्शा जा रही है, जैसे शहर से बाहर आउटस्कर्ट पे पहुंचे जहां घेरा हुआ, तत्काल दबा लिए उसको, लोग गिरा दिए बाइक उसकी या रिक्शे से गिरा दिए उसको, और उसका चेन या उसका बैग या उसका पैसा मोबाइल छीन के भाग जाते थे ये लोग। तो इस गैंग का जो मोटर सप्रेंडी खास तौर से यही है कि ये लोग असलहे का यूज़ नहीं करते थे, ये बिना असलहे के अपनी गाड़ी लेके गए वहाँ पे और दबा के उसको तत्काल घटनाकारित कर देते थे ये लोग। और हमें लगता कि गिरफ्तारी होने से शहर के आसपास जो घटनाएं शाम को होती थी उस पर रोकथाम लगेगा इसमें, और उनको हम लोग जेल भेज